हेलो एंड वेलकम डेली यूज सेंटेंसेस नंबर 8। आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी। मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी। ओके, नाउ हियर मुझे इज आई, डॉक्टर से इज फ्रॉम द डॉक्टर और फ्रॉम अ डॉक्टर, सलाह इज सजेशन, लेनी पड़ी इज हैड टू टेक। ओके, नाउ दिस सेंटेंस ट्रांसलेट्स टू आई हैड टू टेक सजेशन फ्रॉम अ डॉक्टर। ऑल राइट, सुरेश हैड टू फिल अप द फॉर्म। सुरेश हैड टू फिल अप द फॉर्म। सुरेश को फॉर्म भरना पड़ा। सुरेश को फॉर्म भरना पड़ा। सुरेश को इज सुरेश, फॉरम इज फॉरम, भर इज फिलअप, भरना पड़ा इज हैड टू फिलअप। ओके, शी हैड टू रिटर्न अलोन। शी हैड टू रिटर्न अलोन। उसे अकेले लौटना पड़ा। उसे अकेले लौटना पड़ा। उसे इज शी, अकेले इज अलोन, लौटना इज टू रिटर्न, पड़ा इज हैड, लौटना पड़ा इज हैड टू रिटर्न। स्टूडेंट्स हैड टू पे अ फाइन। स्टूडेंट्स हैड टू पे अ फाइन। छात्रों को जुर्माना भरना पड़ा। छात्रों को जुर्माना भरना पड़ा। छात्रों को स्टूडेंट्स जुर्माना फाइन, भरना टू पे पड़ा हैड, जुर्माना भरना पड़ा हैड टू पे अ फाइन। ओके, वी हैड टू अपोलोजाइज। वी हैड टू अपोलोजाइज। हमें माफी मांगनी पड़ी। हमें माफी मांगनी पड़ी। हमें इस वी माफी मांग इस अपोलोजाइज, माफी मांग इस अपोलोजाइज, नी इस टू, पड़ी इस हैड, हैड टू अपोलोजाइज इस माफी मांगनी पड़ी। आई डिड नॉट और आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे इस आई, कुछ इस एनीथिंग, नहीं इस नॉट, करना इस टू डू, पड़ा इस हैव। आई डिडंट हैव टू डू इस मुझे नहीं करना पड़ा। एनीथिंग इस कुछ। You did not or you didn't have to come today. You didn't have to come today. आपको आज नहीं आना पड़ा। आपको आज नहीं आना पड़ा। आपको is you, आज is today, नहीं is not, आना is to come, पड़ा is have. आपको नहीं आना पड़ा is you did not have to come. आज इज टुडे। दे डिडंट और दे डिड नॉट हैव टू री अपियर इन द एग्जाम। दे डिड नॉट हैव टू री अपियर इन द एग्जाम। उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, so here you cannot literally translate word to English. So here उन्हें is they, दोबारा is again, परीक्षा में is in exam, बैठने की is to sit, जरूरत नहीं पड़ी। okay, जरूरत is necessity. So the necessity to sit in the exam again did not come. That is what this sentence means. But here, this sentence means this. Okay?
योर सिस्टर डिडेंट हैव टू बेयर हिम, योर सिस्टर डिडेंट हैव टू बेयर हिम, तुम्हारी बहन को उसे सहन नहीं करना पड़ा, तुम्हारी बहन को उसे सहन नहीं करना पड़ा, तुम्हारी इस योर बहन इस सिस्टर, उसे इस हिम सहन कर इस बेर ना इस टू पड़ा इस हैव नहीं इस नॉट, योर सिस्टर डिडेंट हैव टू बेर इस तुम्हारी बहन को सहन नहीं करना पड़ा, हिम इस उसे, वी डिड नॉट हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस, वी डिडेंट हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस, हमें सभी कक्षाओं में नहीं जाना पड़ा, हमें सभी कक्षाओं में नहीं जाना पड़ा, हमें इज वी सभी इस ऑल कक्षाओं इस क्लासेस में इस इन नहीं इस नॉट जाना पड़ा, जाना इस टू अटेंड पड़ा इस हैव, ओके, सो दिस सेंटेंस ट्रांसलेट्स टू वी डिड नॉट हैव टू गो इन ऑल क्लासेस, ओके, गो इन ऑल क्लासेस, सो जा इज गो बट हियर इट गिव्स द मीनिंग ऑफ अटेंड, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर इस मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे इस आई वहां इस देर जाना इस टू गो पड़ेगा इस विल हैव, ओके, वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी, वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी, हमें एक नई ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, हमें एक नई ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, हमें इस वी एक इस ए नई इस न्यू ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी बना इस टू मेक, ओके, बट हियर इट इज क्रिएट, नी इस टू पड़ेगी इस विल हैव इस पड़ेगी, रश्मि विल हैव टू रिटर्न बाय सिक्स, रश्मि विल हैव टू रिटर्न बाय सिक्स, रश्मि को 6 बजे तक लौटना पड़ेगा, रश्मि को 6 बजे तक लौटना पड़ेगा, रश्मि को इस रश्मि 6 इज 6 बजे इस ओ क्लॉक तक इस बाई लौट इस रिटर्न ना इस टू पड़ेगा इस विल हैव, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस यू अपनी इज योर पढ़ाई इज स्टडीज पर इज ऑन बट हियर इट गिव्स द मीनिंग ऑफ टू, ध्यान इज अटेंशन, दे इज गिव बट हियर इट मीन्स पे, ना इज टू पड़ेगा इज विल हैव, दे विल हैव टू डू दिस वर्क ऑन देयर ओन, दे विल हैव टू डू दिस वर्क ऑन देयर ओन, यह काम उन्हें खुद करना पड़ेगा, यह काम उन्हें खुद करना पड़ेगा, यह इस दिस काम इस वर्क उन्हें इस दे खुद इज ऑन देयर ओन इज खुद, कर इज डू ना इज टू पड़ेगा इस विल हैव, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू कैन ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज टू इम्प्रूव योर हिंदी।